आप क्या कहते हैं? सर मैं इंडियन फैन हूँ। अच्छा इंडियन फैन है, किस पे ज्यादा भरोसा है जो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा? अपना विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली की तो फॉर्म ही नहीं लगी ना। क्या लगता है एक्सपेक्टेशन क्या है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ा टाकरा, अगर टॉस हुआ बाबर आजम को क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग। बैटिंग करना चाहिए जी। बाकी इस बार मुकाबला टफ होगा, वन साइडेड होगा? टफ तो होना चाहिए, टफ होना चाहिए जी। वन साइडेड में मजा नहीं है? नहीं मजा नहीं है। सही है, मुकाबला टफ या वन साइडेड? सर टफ होना चाहिए कि हमें यहाँ पर मैच देखने आए, तो मुकाबला टफ होना चाहिए। दोनों टीमों में अच्छे अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियाँ खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली को कौन आउट करेगा? शाहिन शाह अफरीदी हमारे नहीं है, इंशाल्लाह हारिस रऊफ। हारिस रऊफ इंशाल्लाह, इस बार कमान हारिस रऊफ ने संभाली है इंशाल्लाह। चलिए सही, आप क्या कहते हैं? सर मैं इंडियन फैन हूँ। अच्छा इंडियन फैन है, किस पे ज्यादा भरोसा है जो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा? अपना विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली की तो फॉर्म ही नहीं लगी ना। फॉर्म की सर ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ऊंच नीच होती रहती है। अच्छा। आप कुछ कह नहीं सकते, कभी हाँ। किस मैच में जीरो पे आउट हो सकते हैं, कभी किस मैच में हंड्रेड भी बना सकते हैं, ये बात तो ये मैच होता रहता है। होता है। कितने स्कोर करेगा आज विराट कोहली? मैं पहले भी वो भाई को भी बेच चुका हूँ, हंड्रेड। हंड्रेड करेगा सेंचुरी। अगर आपको क्या लगता है एशिया कप में भी विराट कोहली फ्लॉप साबित हो, एज अ क्रिकेट फैन तो हमें भी लगता है कि वो कमबैक करेगा, हमें उम्मीद है कि वो कमबैक करे, लेकिन अगर वो कमबैक नहीं करता क्या लगता है उसकी सिलेक्शन पर फिर खतरा होगा? उसकी सिलेक्शन पे क्यों खतरा होगा? अगर ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अगर ऐसा कुछ होता तो फिर अभी भी वो टीम में ना होते। अच्छा अभी तो वो टीम हो सकता है, लास्ट चांस हो। क्या मतलब लास्ट चांस हो, ये स्पोर्ट्स है क्योंकि उम्मीद है कि वो कमबैक करे इंशाल्लाह। हमारी जानिब से आपको क्या लगता है खतरा किस, हारिस रऊफ उसको टफ टाइम देगा या हसनैन देगा? अगर शाहनवाज दानी को मौका मिले वो विराट कोहली को टफ टाइम कौन दे सकता है या शादाब? यार सब यही कह रहे हैं कि मेरे दोस्त भी यही कह रहे हैं कि शाहनवाज दानी जो है ना अभी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन मैं दानी भाई आई एम सॉरी, ठीक है जो है ना आप जरा पिटने के लिए तैयार हो जाए। फुल डाई हार्ट फैन हो विराट कोहली के? हाँ बिल्कुल फुल मिलने का इरादा है उनसे? जरूर इंशाल्लाह। आप पैगाम दो, आपका पैगाम पहुंच जाएगा। सर आई एम अ ट्रू फैन ऑफ यू, जब से उस वक्त जब आपने पाकिस्तान के सामने 183 बनाए थे ना, तब से जो है ना मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, और ये चाहे यहाँ पर मैं जिस इस मुल्क में रहता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई एम अ ट्रू योर फैन, आई एम ऑलवेज योर फैन। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। चले जी आप बताएं क्या लगता है मुकाबला टफ या वन साइडेड होगा? वन साइड होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। वन साइडेड, फुल सपोर्ट पाकिस्तान का, पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर फायर करो खुशी के मौके में, डस 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 काम भाई, पाकिस्तान जीत गया भाई ने बता दिए, चांद नजर आ गया आपको। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो एक मेला दुबई में सजा है और एक मेला यहाँ सजा है, स्क्रीनिंग हो चुकी है और साथ में आवाम को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक प्रोग्राम भी रखा गया है। अभी तो ये स्क्रीन है, ये कुर्सियाँ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा इस स्क्रीन पर, और पब्लिक को फिलहाल जो है ना डीजे बाबू एंटरटेन कर रहे हैं, और सॉन्ग आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो कुछ ही देर बाकी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच शुरू होगा, यहाँ स्क्रीनिंग होगी और पब्लिक अभी से आना शुरू हो गई है, कुर्सियाँ आगे की बुक हो चुकी है और डीजे बाबू उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये है मैच से पहले की एक्साइटमेंट और मैच से पहले का माहौल, और मैच के दौरान भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।